झारखंड में सरकारी टीचर बनने का मौका। 2137 पीजीटी शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन को बचे केवल 2 दिन। बिना देर किए ऐसे भरे एप्लीकेशन फॉर्म। तो झारखंड के प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। 2137 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आवेदन भरने की तिथि अगले 2 दिनों में खत्म होने वाली है। जिन योग्यताधारी उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है उनके पास 4 मई तक का मौका है। वे जेएसएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन के जरिए बैकलॉग नियुक्ति भी होगी। बैकलॉग नियुक्ति के लिए 265 सीटें हैं। वही 6 मई तक फोटो सिग्नेचर करें अपलोड। वही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से ही चल रही है। उम्मीदवार 6 मई तक परीक्षा शुल्क भुगतान, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकेंगे। वही इस दिन तक आवेदन का प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है। आवेदन में किसी तरह की त्रुटि रह जाती है तो 10 मई से 12 मई तक इसमें सुधार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार अपना नाम, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर छोड़ बाकी सब में बदलाव कर सकते हैं। वही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह विज्ञापन 2022 में भी निकाला गया था। उस समय जिन आवेदकों ने आवेदन किया उन्हें नई वैकेंसी में फिर से आवेदन करना होगा, लेकिन उनसे परीक्षा फीस नहीं लिया जाएगा। वैसे आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि देना होगा ताकि परीक्षा फीस में छूट मिल सकेगी। परीक्षा शुल्क 100 रुपए है। वही ST SC उम्मीदवारों को 50 रुपए देने होंगे। वही दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी। इधर BEd अपियरिंग छात्र भी कर सकेंगे आवेदन। राज्य के प्लस टू स्कूलों में नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में एक प्रावधान BEd के अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वैसे उम्मीदवार जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण का कोर्स पूरा कर लिया है तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्हें भी आवेदन पत्र भरने की अनुमति होगी, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट से पहले या राज्य सरकार की ओर से निर्धारित समय सीमा तक दे देना होगा। ऐसा करने के बाद ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग उनकी नियुक्ति के अनुसार विभाग को करेगा। इधर सीधी नियुक्ति से 2137 पदों पर होगी बहाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाले गए इस विज्ञापन में सीधी नियुक्ति में 11 विषयों में बहाली की जाएगी, जिसमें कुल पदों की संख्या 2137 है, जिसमें बायोलॉजी में 218 पद, केमिस्ट्री में 227 पद, ज्योग्राफी में 164 पद, हिंदी में 163 पद, इकोनॉमिक्स में 167 पद, हिस्ट्री में 183 पद, संस्कृत में 169 पद, फिजिक्स में 251 पद, मैथ्स में 185 पद, कॉमर्स में 200 पद और अंग्रेजी में 211 पद हैं। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप झारखंड के खबरों को विस्तार से पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट newsjharkhand.org को विजिट कर सकते हैं और झारखंड की खबरों से अपडेट रह सकते हैं।